जब भी बढ़े हुए वजन को कम करने की बात की जाती है तो लोग अक्सर आपको डाइट की तरफ धकेलने की कोशिश करते हैं। एक हिसाब से ये सही हो सकता है, लेकिन समस्या होती है क्रेविंग की, जो कि डाइट के साथ आती है। जब आप डाइट में मीठे से दूरी बनाने की कोशिश करते हैं तो आपको वही मीठा खाने का मन ज्यादा होता है। जब आप किसी खाने को कम खाना चाहते हैं तो वही खाने के लिए आपका दिल ज्यादा मचलने लगता है और आप समझ ही नहीं पाते कि अब करें तो क्या करें। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि डाइट के साथ खाने और मीठे की जो तलब लगती है उसे कैसे दूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने के पहले प्लीज आप हमारे चैनल हेल्थ एंड जॉय को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आप हमारे कोई भी वीडियो कभी भी मिस ना करें। क्रेविंग को खत्म करने के लिए सबसे पहले आपको पानी की मदद लेना चाहिए। अगर आपने पेट भर के खाना खा लिया है या अभी अभी खाना खाया है और उसके बाद भी आपको खाने की क्रेविंग हो रही है या भूख लग रही है, तो मुमकिन है ये भूख नहीं प्यास की वजह से लग रहा हो। बहुत से लोग ये बात नहीं जानते कि दिमाग भूख और प्यास में अंतर क्रिएट नहीं कर पाता और कई बार आपको पानी की जरूरत होती है लेकिन आप खाने पर ध्यान लगाना चाहते हैं। तो अगर खाने के बाद भी आपको खाने का मन हो रहा है तो आपको पानी पीना चाहिए और मुमकिन है आपको ये क्रेविंग कम करने में मदद मिलेगी। खाने की क्रेविंग को खत्म करने के लिए आपको अपने खाने में प्रोटीन ज्यादा लेना चाहिए। जब आप ज्यादा प्रोटीन लेते हैं तो आपकी कैलोरीज की जरूरत इस प्रोटीन से पूरी हो जाती है, जो कि धीरे धीरे रिलीज होता है और इस वजह से आपको क्रेविंग कम होने लगती है। आपको करना यह है कि आपको अपने खाने में लीन प्रोटीन को शामिल करना है। अगर आप मीट खाते हैं तो आप लीन मीट खा सकते हैं, सी फूड खा सकते हैं, अंडे खा सकते हैं, और अगर आप नॉनवेज नहीं खाते तो आप दालें खा सकते हैं, टोफू खा सकते हैं, और प्रोटीन इंटेक को बढ़ा करके आप अपनी खाने की क्रेविंग को खत्म कर सकते हैं। अगर आपको अपने खाने की क्रेविंग को खत्म करना है तो आपको अपने स्ट्रेस को भी कम करना होगा। कई बार स्ट्रेस की वजह से आप अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पाते और आपको समझ भी नहीं आता कि आप बिंज ईटिंग पर चले गए हैं। स्ट्रेस या तनाव की वजह से ये अक्सर होता है कि लोग खाना शुरू करते हैं और उनको पता ही नहीं चलता कि उन्होंने कितना खा लिया है। स्ट्रेस होने पर खाने से कई लोगों को आराम मिलता है और इसलिए खाने की क्रेविंग बढ़ जाती है। मतलब अगर आपको अपने खाने की क्रेविंग को कंट्रोल करना है तो आपको अपने स्ट्रेस या तनाव को भी कंट्रोल करना होगा। आप हर दिन योगा कर सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं और इसी तरह के कुछ काम करके अपने तनाव को कम कर सकते हैं। नींद भी आपकी बीज ईटिंग को बढ़ा सकती है और अगर आप अपनी खाने की क्रेविंग को कम करना चाहते हैं तो आपको अपनी नींद को सही करना होगा। होता यह है कि जब आप अच्छी तरह से सोते हैं तो आपके शरीर में कोर्टिसोल हार्मोन बनता है, जिसके चलते आपका स्ट्रेस भी कम होता है और आपको खाने के लिए भी कम इच्छा होती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि आपको खाने की क्रेविंग को कम करने के लिए आपको अपनी नींद को सही करना होगा। खाने की क्रेविंग को कम करने के लिए आपके पास च्युइंगम चबाने का भी ऑप्शन है। कई स्टडीज से ये भी साबित हुआ है कि च्युइंगम चबाने से आपकी फूड क्रेविंग अपने आप ही कुदरती तरीके से कम हो जाती है और जब आपको खाने की इच्छा कम होगी तो आपके लिए वजन बढ़ने की समस्या भी कम होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आप डाइट करें और उसके बाद भी आपको खाने की क्रेविंग ना बढ़े तो आपको इन बातों को समझना चाहिए और हमें यकीन है कि आपको वजन कम करने में बहुत मदद मिलेगी और आपको खाने की क्रेविंग भी नहीं होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।